दाल बाटी खा लो। हेलो गाइस, दाल बाटी खा लो। खा लिया सर, कसम खत्म, पैसा आ जाओ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी आवर न्यू व्लॉग। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ मम्मी के साथ, है ना। मम्मी का क्या है, थोड़ा पीलिया हो रहा है ना, तो पीलिया का है ना, क्या पता नहीं क्या करेगी, उसको ठीक करवाने के लिए जा रहा है। मैं और मम्मी दोनों ही निकल रहे हैं, तो सुबह का अभी बज रहा है 7:30, अभी तो बजे नहीं, 5 मिनट कम है, 7:25 हुआ है, तो चलो। वैसा मैं यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे गए, तो जो भी है काम निपटा के फिर से है ना घर पे चलेंगे, थोड़ी देर बाद टाइम लगेगा थोड़ा। फाइनल गाइस, मम्मी का काम हो चुका है, तो अब निकलते हैं। तो यहाँ पे भी एक ट्रैक्टर है, ये वाला घर है, तो यहाँ पे आए थे, तो इनका मम्मी का उपचार हो चुका है, तो 2-3 दिन और आने को बोला है। यहाँ के कुएं में पानी है, भाई भाई क्या कर रहे हैं इसे पता नहीं, मैं देख रहा हूँ। गजब है ना, कैसे भी निकल रहे हैं यहाँ से, तो काफी खतरनाक वाली बढ़िया धूप आ चुकी है यार। ये देखो नाजिबा को देखो, मजा कर रहा है, मेरा दोस्त ही है, तो रविंदर का घर ये है, पर ये मेरे हिसाब से अभी सोया हुआ होगा इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है चले भाई। तो गाइस घर पे आ चुके हैं, तो मतलब है ना आते ही तो देखा यार, मतलब सुबह जग गया और फिर से आया ना, तब तक काफी ठंड लग रही थी, मतलब सुबह सुबह काफी बढ़िया ठंड थी यार, खतरनाक वाली, तो मेरे को थोड़ी बहुत लगी पर इतनी भी नहीं लगी। पापा है ना पानी भर रहे हैं, तो थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, तो मोटर से भर देंगे। ललित भाई साहब के ना छुट्टियां पड़ चुकी हैं, तो वो अभी क्या है कोचिंग जा रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस जा रहा है, ठीक है, स्कूल में ही जा रहा है अभी, तो टीचर्स ने बुलाया है मतलब 1-2 घंटे के लिए, फिर से आ जाएगा वो। अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं, तो है ना मतलब मैंने क्या एक वहां से आया था, तो लगभग 11-12 बजे के पास है ना आसपास सो गया था मैं आके, तो अब सीधे 3 बजे उठा हूं, और अगरबत्ती का काम पे बैठा था, पर काफी भूख लगने लग गई यार, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि दही लेके जाऊँ, तो मम्मी ने साथ में कहा है कि ना भूंगड़ा लेके आता ना, वही सेके हुए चने, तो वो लेके आएंगे। फिलहाल का ले लिए चने, तो ये पैकेट ही है 50 रुपीज का, तो इमली वगैरह सब कुछ है, बोर वगैरह सब कुछ इन दादाजी के पास ही है, देख लो वो सारी चीजें यार, यही बस स्टैंड पे मेरा लगा था ना। तो गाइस यहाँ पे डेयरी से है ना दूध या दही लिया है, देख लो हरिकिशन भैया है हमारे, यही पे बस स्टैंड पे ही है, ठीक है खुश। तो चलते हैं घर, यहीं से लिया था चने वगैरह और दही ले लिया, तो चल रहे। आज खाने में बने थे बैंगन के भरते, आज फिर से कल की तरह 2 ही बचे हैं, पर यार मिर्ची वाला मतलब ज्यादा है ना टेस्टी नहीं लगता, जैसे की चटनी वगैरह मेरे को मिर्च से थोड़ी अजीब टाइप की फीलिंग आती है, मतलब अजीब टाइप का लगता है यार, वो टेस्ट ही नहीं आता मेरे को, मतलब अजीब लगता है कि यार पता ही नहीं पूरा, तो इसलिए दही लिखा है, पापा ने चाय ले लिया। फाइनल दही रोटी रेडी है, तो काफी टेस्टी लग रहा है दही, इसमें जैसे है ना मतलब टेस्ट सही लग रहा है दही का, क्योंकि यार सुबह का ताजा होना काफी बढ़िया होता है। पापा भाई खुद के चाय बना के हमारे लिए भी चाय बना दी है और पी रही है, ऐसा यार ये कौन सी बात होती है यार, मैं ऐसे बोलता हूँ हमारी तरह ऐसे ही चलता है। ओहो चुस्की चल चाय की, हसी देखो न पीले दांतों की, दांत ऐसी है पीले दांतों की चमक, अरे नहीं देख रियल दांत है भाई, नकली नहीं है, हमको नकली दांत तो सफेद होते हैं, ऑडियंस को थोड़ी पता है, हम दोनों के बीच में बात बहुत भाई असली दांत है यार नकली नहीं है, अरे वो तो हमें पता है ऑडियंस को थोड़ी पता है, पके नकली जरूर है, ऑडियंस तो पता थोड़ी है, पके पूरे नहीं है, मतलब एक दो है यहाँ पे साइड के, जोर जोर के बोल दो सारे के स्कीम बोल दो, अरे चंपा भाई को पैर में लग गई नाखून से। भाई ललित है ना अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आया था, तो चाय बना लिया तीनों के लिए, मेरे लिए पापा और ललित के लिए, तो ठीक है, तो मम्मी नहीं पी रही, और पापा अंदर भजन सुन रहा है, बढ़िया गाना चला दिया फुल स्पीकर में और मजा कर रहा है, इसको देखो अंदर देखो, मम्मी नहीं है, मम्मी कुछ काम से बाहर भी गई हुई है, पापा मजा कर रहे हैं, डीजे वहाँ पे चल रहा है, हाय क्या बात है, पापा के मजा देखो, अरे 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 क्या बात है पापा बनियान में ठीक दिखता है, मतलब घर में ना बनियान में ही रहते हैं, गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए पापा ज्यादा, एक चोर को देखो अंदर से चाय चुराई मेरी
हमको चोर नहीं, नहीं मैंने थोड़ी सी ली थी ये मेरे सामने एक्टिंग कर रहा था कि उसको लगे कि यार चाय ले लिया नहीं चाय इतनी है शहर से दिख जाता है नहीं ली पक्का चने खा रहा हूँ थोड़े से घोड़े वाले नहीं है वो लेके आया था ना दोपहर में वो वाले ही है मम्मी पापा भी आ चुके हैं दियापति करके तो पापा तो कुछ काम से बाहर गए और मम्मी का चेन है ले पैसा पढ़ाई कर रहा है चुपचाप करने देते पढ़ाई ऑनलाइन कर रहा है भाई मम्मी क्या कर रही है किचन में क्या कर रही है मम्मी क्या बना रही है बाटी बना, दाल बाटी भाई चने की दाल और कौन सी मूंग की दाल बहुत बढ़िया बैंगन और भी है क्या अभी तक मेरे को लगा पूरा बना दिया पड़ता कांदी भी है देखो वाओ तो गाइस आज तो है ना मतलब वो खाए नहीं यार चिप्स वगैरह तो खाते हैं फिर सब चुप पढ़ाई करने देते हैं पढ़ाई कर ले ऐसे ऐसे बैठ के सो के पढ़ाई करते हैं अब ओए सही से बैठने की जगह हमारे इधर ऐसे ही चलता है अबे यार ये कौन सी बात होती है यार पढ़ाई ढंग से बैठ के करना पढ़ाई ऐसे आराम से बैठ ऐसे लेट के क्या कर रहा है पढ़ाई पढ़ाई कर रहा है या मजे कर रहा है मैं भी जैसे देख कर रहा था तू पढ़ता तो मैंने भी ऐसे देखा था तू ऐसे मैं तो ऐसे नहीं पढ़ता था भाई ये गारंटी कहता हूँ मैं मेरे आपको का सबूत है देख कि मैं इतना पढ़ता ही नहीं था तेरे जितना मैं नहीं पढ़ता था सही बोलता हूँ क्योंकि है ना मैं ना घर पे से ज्यादा स्कूल में ज्यादा पढ़ता था घर पे आके मुझे पता है नंबर कम आए थे इसलिए नंबर कम आए थे उस समय तो होता है हाँ पर तू सही से बैठ के पढ़ जिसे क्या सही से याद हो तू ऐसे ही ठीक है शिष्टाचारी गुरु जी आपका सभी नहीं आगे हो तो मैं वापस बैठ जाता हूँ पढ़ने हाँ, के लिए बैठ जा हम अपना खाते हैं भाई चल भाई ये सरक जा पापड़ी है बाकी कहाँ है अब ओए कहाँ गए अच्छा इसके नीचे है मेरे को लगा कहाँ गायब हो गए भाई ये आ गए इसका समझ में नहीं आएगा कभी समझ में आगे तो बच्चा किस काम का सही बात है पापड़ ले लेते हैं ये बहुत है फूल हो गई हमारी थाली तो थोड़ा वो तो ले लेते हैं बस मैं देख रहा था अपना खुद का व्लॉग तो ये है ललित भाई डर गया वाला पोपट हो गया ललित का उस समय वाला व्लॉग है भाई तो ये है 8 अक्टूबर का मैं पहले का व्लॉग देख रहा हूँ कि मतलब अभी तक कितना क्या सुधार हुआ है मेरे व्लॉग में तो आपने भी देखा होगा काफी सुधार हुआ मेरे व्लॉग में मेरी शक्ल पे तो मतलब मेरी शक्ल पहले यार मूछे वगैरह रखता है या सही से नहीं रहता था तो उतना ज्यादा टाइम ना उस समय ना कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि हाँ भाई थोड़े लाइफ स्टाइल चेंज कर सकता हूँ वगैरह आज जो पोजीशन में हो ना उस समय मैंने सोचा भी नहीं था देखो चेस खेल रहा हूँ अभी तो ये देखो उस समय चेस का ब्लॉग था यहाँ पे भी है ललित भाई ने पोपट कर दिया डरा दिया पोपट गजब कर है ना तो बढ़िया ये खाते हुए करेंगे भाई हमारा वीडियो को देखने के का काम करना और वीडियो देखेंगे बढ़िया आराम से अभी खा रहा है खाना तो खाने में दाल बाटी बन चुकी है बढ़िया तो साथ में कांदे भी है हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्यार खाते हैं आपको भी पता ही होगा तो मम्मी पापा वहाँ पे खा रहे हैं ललित भी और मैं यहाँ पे खा रहा हूँ अलग से बढ़िया एक बार आराम से एक साइड में बैठ के पंखे की हवा में पंखा तो उधर है पर थोड़ी बहुत हवा आ रही है मैंने ये वाला पंखा भी स्टार्ट कर दिया है तो थोड़े दिनों बाद कूलर भी स्टार्ट हो जाएगा हाँ पापा दाल बाटी खा लो हेलो गाइस दाल बाटी खा लो खा लिया ललित अपना पिकाचू देख रहा है कभी डोरीमोन कभी पोकेमोन कभी कुछ मजे है तो गाइस है ना मम्मी पापा का बिस्तर लगे हुआ तो मम्मी पापा को उस तरफ है और मम्मी इस तरफ यहाँ पे सोते हैं और हम दोनों तो अपने कमरे में लाइट बंद कर देता हूँ ये वाली मेन स्विच से ही है भाई अंधेरा हो गया ये भाई क्या कर रहा है फोन देख रहा है पढ़ाई कर रहा है क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा है ये ठीक है यार मजे में भाई मजे में बस एक बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ आप सभी के लिए और मतलब अपने पूरे यूट्यूब फैमिली के लिए कि है ना हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्लॉग चैनल पे 550 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुके हैं आपका सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने बस आपका सपोर्ट रहना चाहिए ठीक है आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे बताएं तो भी सपोर्ट रखना यारो तो गाइस खाना खा लिया है तो काफी बढ़िया पेट भर चुका है हमारा तो बोले भाई सब सो चुका है सभी सो गए तो रात के 1 बज चुका है तो व्लॉग एडिट करके अपलोड हो चुका है
वही अपना ललित और मेरी फाइटिंग वाला ब्लॉग नहीं देखा हो तो वो जाके देख लेना इस ब्लॉग के बाद। तो आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। कितना भी था यार, अगला बार है ना और ट्राई करूंगा कि और अच्छा ब्लॉग हो। तो सॉरी।